أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر آپ چوتھی تقریر سن رہے ہیں مجھے اس عمر کا احساس ہے کہ احباب بڑی دور دور سے جمع ہو رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں بھی سب جمع ہونے والے سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر روز کسی ایک بات کا بھی معلومات میں اضافہ قابل قدر ہے اور جس کسی کو اس قسم کے مواقع مل جائیں جہاں وہ اپنے معلومات میں اضافہ کر سکے تو وہ غنیمت جانے جد و جہد تو لازم ہی ہے رحمت آپ کر رہے ہیں رحمت اٹھانی پڑے گی
बगैर रहमत के आप कुछ हासिल न कर सकेंगे। इकबाल ने कहा था, ऐसी कोई दुनिया नहीं अफलाक के नीचे, ऐसी कोई दुनिया नहीं अफलाक के नीचे, बेमारे का हाथ आए जहां तख्ते जमो कहे। जम भी एक पातशाह है, कहे भी एक पातशाह है। ऐसी कोई दुनिया नहीं अफलाक के नीचे, बेमारे का हाथ आए जहां तख्ते जमो कहे। हर लहजा नया तूर नई बरक़ तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक न हो तय। अल्लाह करे मरहले शौक न हो तय। तो जहां इंसान कुछ हुसूल की फिक्र में होता है, हासिल करना चाहता है, वहां उसकी ये ख्वाहिश होती है कि और इजाफा हो। आज सुबह जैसे कह रहा था अपनी तकरीर में कि उसवे रसूल को इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा और इस्लाम की तारीख का सबसे अहम बाप समझने वाले, वो तो तारीख इस्लाम के सरे वरक पर लिखे रब्बी जिदनी इल्मा। वो तारीख इस्लाम के उन्वान के लिखे परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफा कर। वो तारीख किस काम की है कि जहां इल्म में इजाफा न हो। वो तारीख किस काम की है कि जहां हम किबरो नखवतो तमर्रदो इस्तबदादो ऐश परस्ती को मुख्तलिफ मंजिलों में देखें, उससे मालूमात में इजाफा क्या होगा। तारीख इस्लाम की, इस्लाम के मसाइल की तारीख, और मसाइल के साथ फिर उन हस्तियों की तारीख है जिन्होंने अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढाल लिया था। अब दुनिया उन हस्तियों में इख्तलाफ करे, दुनिया उन हस्तियों को न माने, दुनिया उनको तस्लीम न करे, तो वो और बात है। मगर जो हक है वो है। आपने कभी किसी मकाम पर यह सुना है कि किसी मसले की तारीख, किसी प्रॉब्लम की तारीख, किसी इल्म की तारीख या हिकमत की तारीख किसी मकाम पे आके रुकी हो? नहीं। इसलिए कि हर दौर में, हर असर में, हर सदी में कोई ना कोई मुफक्किर आता है और तारीख में एक नई जिंदगी पैदा करके तारीख को आगे बढ़ा देता है। इल्ला तारीख इस्लाम के कि उसको जवाल बगदाद पे लाके रोक दिया, जवाल बगदाद पे लाके रोक दिया और कहा कि बगदाद का जवाल, तारीख इस्लाम खत्म। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम शुरू हो गई, जिसमें लुबनान, जोर्दान, मिस्र, सऊदी अरब, सवाहिल अफ्रीका की मुस्लिम रियासतें और दूसरी मुस्लिम रियासतों पर गुफ्तगू छिड़ी, और अब वो काम इस्लाम का नहीं रहा,
अब वहां तो जैसे जैसे नजरियात थे उन नजरियात पर गुफ्तगू शुरू हो गई। तो अफसोस इस अमर का यह है कि किसी ने बेताबाना अंदाज में, किसी ने बेचैनी के साथ इस जरूरत को महसूस ही नहीं किया कि इस्लाम की तारीख को इस अंदाज से लिखा जाए कि जिसका अगर एक बाब उस्वाए रसूल है तो फिर दूसरे अबवाब क्या हों। एक बाब उसका अगर उस्वाए रसूल है तो दूसरे अबवाब क्या हों। क्या दूसरे अबवाब में गुंजाइश है मरवान इब्न हकम और वलीद इब्न अब्दुल मलिक इब्न मरवान और हशाम इब्न अब्दुल मलिक या और दूसरे ताजदारों की अगर उस्वाए नबी का एक बाब कायम है तो उसी अंदाज से तारीख को ले जाना पड़ेगा। तो ये देख कर के तारीख को बहर सूरत किसी मकाम पे रुकना है और अपने मफादात के साथ तारीख को वाबस्ता रहना है। ये देख कर कल जो गुफ्तगू हो रही थी मैं उसका इआदा कर दूं मुख्तसर लफ्जों में ताकि सिलसिला समझ में आए। ये देख कर कि तारीख को उस बुलंदी पर हम ले जा न सकेंगे, किया ये कि तारीख के आगाज पे हमला कर दिया, तारीख के आगाज को तोड़ मोड़ के पेश किया और तारीख के आगाज को बिगाड़ दिया। तो उस आगाज को बिगाड़ने की मसलहत यह थी कि अंजाम समझ में ना आए और इस तरह से जो आगाज ही में आबाए नबी को काफिर कहे वो अंजाम में अबनाए नबी को मासूम कैसे कहेगा। जो आगाज में आबाए नबी को काफिर जाने वो अंजाम में अबनाए रसूल को मासूम और ताहिर कैसे कहेगा। यही सूरत हुई कि सिलसिला आके रुक गया तारीख इस्लाम का, और अगर नहीं तारीख इस्लाम उस्वाए रसूल के को सामने रख के लिखी जाती तो ये तारीख आज भी मुसलसल होती, ये तारीख आज भी मुसलसल होती, ये तारीख इस्मत की तारीख होती, तहारत की तारीख होती, शुजाअत की तारीख होती, इबादत की तारीख होती, सकावत की तारीख होती, इल्म हिल्म और जहद की तारीख होती। मगर ऐसा नहीं किया, इसको लाके शाही की हद तक महदूद कर दिया। शाही को खत्म होना था, तारीख भी खत्म हो गई। शाही को किसी मकाम पर रुकना था, तारीख भी रुक गई। अब जहां जहां तारीख लिखी जा रही है, अजीब बात यह है कि अब मुल्क के नाम से तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान की तारीख, सऊदी अरब की तारीख, लुबनान की तारीख, शाम की तारीख। तो अब आपने देखा वो इस्लाम की तारीख के साथ मुसलमानों की तारीख भी खत्म हो गई और अब जोग्राफिया पर आकर तारीख का इन्हिसार हो गया और जोग्राफी हुदूद में तारीख आकर मुकय्यद हो गई कि इन हुदूद में आके तारीख को समझने की कोशिश करें दुनिया। मगर ये इकदाम सियासी एतबार से मुमकिन है, दुरुस्त हो, मगर मजहबी एतबार से दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि रहमतुन लिल आलमीन के मानने वाले सारी दुनिया में कहीं रहे इस्लाम से वाबस्ता है और तारीख इस्लाम सबको घेर लेगी।
वो चाइना में हो के रशिया में हो, वो बाकू में हो के आजरबाईजान में हो, वो दुनिया के किसी हिस्से में हो, घेर लेगी तारीख बेशर्ते के उस तारीख के साथ, उस तारीख के साथ ये फिक्र दामनगीर रहे, ये फिक्र दामनगीर रहे कि तारीख का मरकजी अंसुर क्या है, न्यूक्ले क्या है, तारीख को किस मरकज के गिर्द घूमना चाहिए। पैगंबर ने यह नहीं कहा था कि जो मर जाए और नमाज न पढ़े वो जाहिलियत की मौत मरता है। पैगंबर ने यह नहीं कहा था जो मर जाए और रोजा न रखे वो जाहिलियत की मौत मरता है। पैगंबर ने यह नहीं कहा था कि जो मर जाए और हज न करे वो जाहिलियत की मौत मरता है। पैगंबर ने कहा था जो मर जाए और जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। आपने देखा ये मरकजी अंसुर अगर तारीख इस्लाम से हटा लिया जाए तो फिर आपके लिए कोई मंजिल भी समझने और समझाने की नहीं रहेगी और सिर्फ दास्तान गोई रह जाएगी, किस्सा गोई रह जाएगी, फिक्र की बुलंदी बाकी नहीं रहेगी। अजीजों, मैं मुसलसल आपको जहमत देता हूं और जाहिर है कि मजबूर भी हूं, ये नहीं कि मेरी खुशी है कि इस तरह से आप आए, मैं भी मजबूर हो जाता हूं कि ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए चाहता हूं कि जब आप जमा हो ही जाते हैं तो कुछ न कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा बागों में कि जब बागबान माली बेलों को दीवारों पर चढ़ाता है या बुलंदियों पर ले जाता है तो उसके लिए या तो दीवार का सहारा लिया जाता है या खुद लकड़ी की कोई ऐसी चीज बना दी जाती है कि जिसके सहारे बेल चढ़ जाए और उस पर फूल आए। बिल्कुल यही हाल फिक्र का है कि अगर फिक्र को कोई सहारा नहीं मिलता तो यह जमीन से लिपट के रह जाती है। फिक्र को अगर सहारा न मिले ना, फिक्र को चढ़ाना है, फिक्र को बुलंदी पलाना है तो ये बुलंदी बगैर सहारे के नहीं है। आप उसको अगर छोड़ देंगे ये फिक्र जमीन से लिपट जाएगी। सूरह आराफ में इरशाद हुआ लौशना लरफअनाहु बिहा, हम चाहते तो कुरान की आयतों से उसको बुलंदी अता करते, उसको बुजुर्गी देते, लाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज, मगर वो जमीन से चिमट गया, वो जमीन से लिपट गया, वो जमीन का हो के रह गया। मसलहू का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की सी है, इसलिए कि वो अपने हवा वो हवस का ताबे है। हम तो बुलंद करना चाहते थे मगर वो जमीन से लिपट गया। तो जहां अर्जी ताल्लुकात इंसान को बुलंदी से महरूम कर दें वहां न इंसान को तारीख बुलंद कर सकती है न तफसीर बुलंद कर सकती है। बुलंदी की कोई सूरत नहीं है, हम चाहते हैं सहारा मिले, हम चाहते हैं कि कोई फिक्र को बुलंदी पर रखे, वरना हर आन दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की बू कलमूनियां,
दुनिया की रग़बत दिलाने वाली ऐश परस्तियां इंसान को इतना जज्ब कर लेती हैं, इतना जज्ब कर लेती हैं कि बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी फिक्र रखने वाला आने वाहिद के लिए कभी इस तरह से गोता खाता है, इस तरह से नीचे आता है कि फिर हमने उसको उभरते हुए नहीं देखा, कभी उभरते हुए नहीं देखा। नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया ही की मुसीबतें हैं कि कभी इंसान ने अपने में हक को देखा, कभी अपने हक होने का ऐलान किया, कभी अपने मुहित होने का ऐलान किया, कभी अपने बाब होने का ऐलान किया, कभी अपने नबी होने का ऐलान किया, कभी अपने अवतार होने का ऐलान किया। ये सब क्यों? फकत इस वास्ते कि दुनिया लिपटी हुई थी, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और अगर फिक्र बुलंद रहे तो अब्दियत की एक सतह होती है, और उस सतह अब्दियत से फिक्र आगे बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि फिक्र के लिए सहारे मिले, फिक्र के लिए सहारे मिले। तो अब आप जानिए, फिक्र के लिए काबुल अहबार या वहब इब्ने मुनब्बह ये सहारा नहीं है जो इसराइलियात को बयान करे या तौरात से रिवायतों को लेके मुसलमानों पे मुसल्लत करने की कोशिश करे, या काबुल अहबार और वहब इब्ने मुनब्बह से सुनने वाले रावी फिक्र के लिए सहारा नहीं बन सकते। इसलिए जहां जिन अजीजों ने 7,000 रिवायतों को नकल किया खतनी मर्तबत से, वो इसी मंजिल पे रह गए कि प्याज खाएगा तो जन्नत में जाएगा, लहसुन खाएगा तो दर्द से बचेगा, या पानी पिएगा तो इतनी उम्र बढ़ जाएगी। सब ऐसी हदीसों के जखीरे आ गए, लेकिन फिक्र की बुलंदी पर हम किसी को न पा सके। फिक्र की बुलंदी वही मुमकिन है जहां फिक्र में हम आहंगी हो, फिक्र में हम आहंगी वहां मुमकिन है जहां फिक्र में तसलसल हो, फिक्र में तसलसल वही मुमकिन है जहां आगाज में इंसान ये समझे कि कायनात बेमकसद नहीं है। अगर कायनात बेमकसद नहीं है तो बनाने वाले ने यकीनन हिदायत इंसान के लिए कोई ऐसा इंतजाम किया था कि जहां हादी के घराने में कुफर ना आए, जहां हादी के खानदान में शिर्क ना आए। इस एतबार से सिलसिले फिक्र का ये तकाजा है कि फिक्र में पाकी हो, फिक्र में तत्हीर हो, फिक्र में तहारत हो। वो औलाद इब्राहिम को मुसलमान पाए, जुर्रियत इब्राहिम को मुसलमान पाए, अजदाद इब्राहिम अजदाद पैगंबर को मुसलमान पाए, और उसके बाद औलाद पैगंबर में इस कैफियत तस्लीम को देखे और इस्लाम को लेके आगे बढ़े, शाही को नहीं, मुलुकियत को नहीं। तो ऐसे मौके पर उसवे रसूल आपके लिए मदद करने को तैयार है, मदद करने को तैयार है। सिर्फ ये कह देना कि हम मुसलमान हैं और हमको भी तारीख में जगह दो, फकत ये कहना कि हमारे पास भी इख्तदार है, हमको तारीख में मकाम दो, ये कोई सही नहीं है, ये कोई सही फिक्र नहीं है। बल्कि तारीख में जगह तो वो पाता है जो तारीख का मेमार होता है, जो खुद तारीख को बनाता है। ये शाही ये तारीख की तामीर है, तारीख ने बनाया है शाही को, मगर मोहम्मद का घराना वो अपनी तारीख खुद बनाता है। कोई कोई लिखे या न लिखे, कोई माने या न माने, उन्होंने अपनी तारीख खुद बनाई, खुद बना। सैयदुस्साजदीन ने अपनी तारीख बनाई है और शाम की हुकूमत के मुकाबले में अपनी तारीख बनाई है।
ایک ایسی ریاست کے مقابل میں اپنی تاریخ بنائی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بات میں بات آئی, چونکہ نام آ گیا اس لیے عرض کروں کہ یہ نام میں نے کیوں لیا. یہ نام میں نے اس لیے لیا کہ تاریخ اسلام جو آج کل پڑھائی جاتی ہے بچوں کو, اس میں حسین تک تو تذکرہ آیا ہے, حسین تک تو تذکرہ آیا, اور وہ اس مجبوری کے ساتھ آیا ہے کہ گفتگو یزید کی تھی, اس لیے حسین کا تو تذکرہ آیا, مگر اس کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کا دھارا بدل گیا اور مقامات عصمت و طہارت بلند ہو گئے, بلند ہو گئے, تاریخ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تاریخ نے ان کو نظر انداز کر دیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نظر انداز ہو گئے, نہیں, تاریخ نے ان کو مٹانے کی کوشش کی وہ اور ابھر گئے, تاریخ نے ان کو چھپانے کی کوشش کی وہ اور روشن ہو گئے, تاریخ نے ان کو بھولنے کی کوشش کی وہ بار بار یاد آتے گئے اور نسلوں کو یاد آتے رہیں گے, اس لیے کہ انہوں نے خود اپنی تاریخ بنائی ہے, اپنی تاریخ بنائی ہے. سید الساجدین نے, دیکھیے یہ دنیا علم کی دنیا ہے, یہ دنیا عقل کی دنیا ہے, یہ دنیا فکر کی دنیا ہے, یہ دنیا نور ایمان و یقین کی دنیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حضرت سید الساجدین نے موطأ امام مالک سے پہلے تدوین کی ہے صحیفہ سجادیہ کی, صحیفہ کاملہ کی, جس کی پہلی دعا آپ کو باہر ملے گی, اور جو آپ اس کے لیے نظر کر سکیں وہ نظر کریں اور دعا ضرور حاصل کریں, اس لیے کہ اس دعا کے آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کا ایک عکسی نمونہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن لکھا تھا, آپ نے یہ قرآن لکھا تھا, اور اس طرح سے آپ کو یہ دولت بھی مل جائے گی, ایک یادگار بھی آپ کے پاس رہے گی. اسی طرح سے یہ لوگ اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور دعائیں شائع کرتے جائیں. پہلی دعا مقام حمد و شکر پر ہے, پہلی دعا مقام حمد و شکر پر ہے, اور حمد و شکر فکر کا آغاز ہے کہ جہاں انسان شکر کی منزل پر نہ آئے وہاں سوا کفر کے کچھ نہیں, اس لیے کہ جہاں شکر نہیں وہاں کفران نعمت ہے, جہاں شکر نہیں وہاں انکار نعمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید الساجدین کو تاریخ اسلام نے نظر انداز کر دیا. جب سید الساجدین کو تاریخ اسلام نے نظر انداز کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا اس کو تاریخ اسلام کیسے محفوظ کرتی. جب وہ سلسلہ محفوظ نہیں رہا تو انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی وہ خدمت کیسے سمجھ میں آئے کہ صادقین نے کیا کیا, صادقین نے کیا کیا. اس اعتبار سے پہنچ کے اسلامک جورسپروڈنس کا ایک اہم ترین باب خالی رہ گیا اور اسلام کی فقہ سمجھ میں نہیں آئی. خود کہہ دیا شیخ محمد شلتوت نے, شیخ الازہر نے, کہ ہم اسلام کی فقہ کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ صادق آل محمد کی فقہ نہ جب تک کہ ہم صادق آل محمد کی فقہ نہ سمجھیں. تو عزیزان گرامی, ہم اپنی حد تک, اپنی مجلسوں کی حد تک تو مطمئن ہیں کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, خواتین, بہنیں, مائیں اس تاریخ کے حصے سے بے خبر نہیں ہیں, وہ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی کوشش جاری ہے کہ کسی صورت یہ تاریخ سمجھ میں آئے, یہ تاریخ سمجھ میں آئے. بہرحال ہمارے پاس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ اسلام ہمارے پاس زندہ ہے, باقی ہے, ابھی چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے. تاریخ اسلام کا ہمارے پاس چیپٹر کب کلوز ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے.
इसलिए कि अब इस वक्त हमारे पास ये तारीख खुली हुई है, हर आन हर लहजा उसमें अफकार का इजाफा होता जा रहा है। यहां तक अगर आप समझ सके तो मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। मैंने जैसा कि कहा, रोजाना एक बात समझने की कोशिश कीजिए, एक बात, ज्यादा नहीं, ज्यादा दिमाग पर बार देने की जरूरत नहीं है। और फिर आप थकते जा रहे हैं, मैं अपनी खस्तगी का तो ऐलान नहीं करता, मगर यह जरूर है कि आप थकते जा रहे हैं और वक्त भी कुछ ज्यादा अब बाकी नहीं है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं इमाम के चहलों के लिए भी, सफर का महीना तो शुरू हो चुका है। इस लिहाज से एक बात याद रख लें आप कि तारीख इस्लाम पर गुफ्तगू करते हुए जब मैं ये कहूँ कि उसवे रसूल को भी पेश नजर रखे तारीख का लिखने वाला, तो उसके माना ये है, उसके माना ये है कि हर मंजिल पर, हर मंजिल पर हर कलमा गो तारीख इस्लाम का रुकन नहीं है, हर मंजिल पर हर मुस्लिम तारीख इस्लाम का रुकन नहीं है, हर मंजिल पर हर मुसलमान के लिए तारीख इस्लाम में जगह नहीं है। वहां तो बड़े बड़े मार्के गुजर चुके हैं, बड़े बड़े मार्के गुजर चुके हैं। तारीख का एक वर्क मुझे याद आया, इस्लाम की तारीख का एक वर्क मुझे याद आया। आज उस वर्क को आप सुने और उसके बाद फिर मैं आपके लिए दुआ करूं। यह सूरह तौबा है, यह नवा सूरह है, इसको सूरह बरात भी कहते हैं, इसलिए कि इसी लफ्ज से यह सूरह शुरू होता है। इस सूरह में मालूम नहीं क्या बात है, एक वाकये की तरफ इशारा किया और इस्लाम की तारीख में उसको जगह मिलना चाहिए, उस वाकये को जगह मिलना चाहिए। वो ये कि जब नबी मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने लगे तो लोगों ने ये बहाना तराश के कि उतनी दूर नमाज पढ़ने के लिए कौन जाए, एक और मस्जिद बना ली, एक और मस्जिद बना ली। कुरान ने इस वाकये को 20 आयतों से ज्यादा में जगह दी है। क्या बात है कि इस्लाम की तारीख में जगह ना मिले, इस्लाम की तारीख में जगह न मिले। कुरान ने मुसलसल आयतों में इस वाकये को जगह दी। वल्लज़ीन तक़ज़ू, वो लोग जिन्होंने अख्तियार किया, वल्लज़ीन तक़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाहा व रसूलहू मिन कबलो, वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाई, सजदा करने की जगह बनाई, इबादत करने का मकाम बनाया, बुत परस्ती नहीं की बल्कि अल्लाह की इबादत करने के लिए घर बनाया, मगर कुरान ने कहा कि नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद बनाई, कुफ्र की बुनियाद पर मस्जिद बनाई, मुसलमानों में तफरीका पैदा करने के लिए मस्जिद बनाई। वल्लज़ीन तक़ज़ू मस्जिदन, मस्जिदन ज़िरारन ज़ात ज़रर पहुंचाने वाली, ज़िरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैनल मोमिनीन, और साहिबान ईमान में तफरीका पैदा करने के लिए मस्जिद बनाई। व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन कबल, और मस्जिद को पनाह गाह बनाने की कोशिश की, जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ना चाहे वो मस्जिद को कला बना के लड़े। तारीख इस्लाम का एक ये भी तो वर्क देखिए, ये नबी की जिंदगी में हुआ है, ये नबी की जिंदगी में एक मस्जिद का हाल ये है, एक मस्जिद का हाल नबी की जिंदगी में ये हुआ है कि उन लोगों ने एक मस्जिद बनाई, जरर पहुंचाने वाली मस्जिद, कुफ्र की बुनियाद पे मस्जिद, साहिबान ईमान में तफरीका डालने वाली मस्जिद, और इन सबसे बढ़ के वह इरसादन और कमीन गाह, इरसाद
कमीनगा, जैसे किसी गोशे में कोई छिप के दुश्मन को देखता रहे। इरसादन लमन हारब अल्लाह व रसूलहू, उनके लिए जो अल्लाह और रसूल से लड़ना चाहे उनके लिए वो पनाह देने वाली मस्जिद बनी है। वल्लज़ीन तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन व इरसादन लमन हारब अल्लाह व रसूलहू मिन क़ाबल, उन लोगों ने एक मस्जिद बना। तो ऐ रसूल तुमको हुक्म यह है, तुमको ला तकुम फी है अबदा, खबरदार उस मस्जिद में कदम न रखना। मैं इस्लाम की तारीख पढ़ना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तारीख की बुनियाद क्या है। मस्जिद है, अल्लाह का नाम लेके बनाई गई है, इबादत के लिए बनाई गई है। वहाँ बुत नहीं है, लातो मनातो हुबल उज्जा को नहीं लाके रखा है, यगूस और सुआ को नहीं लाके रखा है, कुछ नहीं है। हम इबादत करेंगे, फकत ये कि वो मस्जिद दूर पड़ती है, नजदीक की मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे। इरशाद फरमाया ला तकुम फी है अबदा, खबरदार उसमें आप जाके खड़े न हो, अबदा कभी न जाए। इसलिए ल मस्जिद उससे सा अलग तकवा मिन अव्वल यौमिन अहक अन तकूम फी, इसलिए कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी जाए पहले दिन से, वो इस काबिल है कि आप वहां जाए। तो खुदा का घर बने तो उसकी बुनियाद तकवा पर हो, और खुदा का नबी आए तो वो काफिरों की औलाद में आए। मस्जिद उससे अलग तकवा मिन अव्वल यौमिन अहक, पहले दिन से जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर हो। मस्जिद बेजान चीज, जमादी चीज, मिट्टी चूना पत्थर की तरकीब, मगर नहीं बुनियाद तकवा पे रहे। बुनियाद तकवा पे रहे इसलिए कि हमारी बंदगी से निस्बत है। तो जिसको हादी बना के भेजे उसके घराने में तकवा ना हो। लमस्जिद उससे अलग तकवा मिन अव्वल यौमिन अहक अन तकूम फी, इसलिए आप वहां न जाएं। ला तकुम फी है अबदा, उसमें आप क्याम न करें, मस्जिद में आप न जाएं। यानी अल्लाह ने अपने नबी को मस्जिद में जाने से रोका, मस्जिद में जाने से रोका। तारीख क्या लिखना चाहती है कि इसमें तकवा की बुनियाद पे मस्जिद कायम नहीं है, इसलिए आप न जाएं। इसलिए कि ये तो कमीगाह है, हमारे दुश्मनों के लिए एक पनाहगाह बना रखी है इन्होंने। ला तकुम फी अबदा लमुज मस्जिद उससे सालत तकवा मिन अव्वल यौमिन अहक अन तकूम फी, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर हो वो आपके लिए इस काबिल है कि आप जाए। फी है रिजाल, उस मस्जिद में वो मर्दाने खुदा हैं, वो तकवा वाली मस्जिद में वो मर्दाने खुदा हैं। फी है रिजाल युरीदून अन यततहर वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन, उसमें वो मर्दाने खुदा हैं कि जो चाहते हैं, इरादा रखते हैं कि वो पाक रहें, और अल्लाह पाक होने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह पाक रहने वालों को दोस्त रखता है। हमने मस्जिद की फकत तारीफ नहीं की, मस्जिद के रिजाल की तारीफ की। मस्जिद में वो रिजाल है, वो मर्दान खुदा हैं। युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन, अल्लाह दोस्त रखता है उनको जो खुद अपनी तहारत की फिक्र करते हैं, अपने आप को ताहिर रखते हैं। और फिर इसके साथ
یہ بھی ارشاد کہ حبیب یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بنیاد جو ان کی مسجد کی رکھی ہے الصفا بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار فی نار جہنم, یہ ریتی کے اس تودے پہ اس مسجد کی عمارت ہے جو آہستہ آہستہ ہٹ کر سیدھے جہنم میں جا کر گرے. اللہ شفا جرف انہار فنہار بہی نار جہنم, یہ جہنم میں جانے والی مسجد ہے, مسجد اللہ کی مسجد ہے. ہم کچھ اور باتیں تو نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ مسجد تو وہاں بنائی گئی, ایسی ریتی کے تودے پہ بنائی گئی ہے کہ اس کو تو ہٹنا ہے. اور ہاں اے حبیب اس کے متعلق یہ بھی جان لو, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم حتی تقطع قلوبہم, یہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان کے دلوں میں کینہ ہے, شک ہے, رائب ہے. یہ شک نہیں جائے گا جب تک کہ دلوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے. دیکھا آپ نے, نہ یہ کہا کہ یہ منافق ہیں, نہ یہ کہا کہ یہ کافر ہیں, نہ یہ کہا کہ یہ مشرق ہیں, کہا کہ ان کے دلوں میں شک ہے, ان کے دلوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بھی ہم کر دیں گے تو جب بھی ان کا شک نہیں جائے گا, ان کا شک نہیں جائے گا. آپ نے دیکھا مسجد کے بننے کے بعد بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے شکوک ضائع نہیں ہو سکتے, یہ طویل سلسلہ سورہ توبہ کا. تو کلمہ گوئی کے بعد بھی اگر شک ہے, کلمہ گوئی کے بعد بھی اگر شک ہے کہ دلوں کو کاٹ کے ٹکڑے کر دو, جب بھی شک نہیں جائے گا, تو پھر بظاہر تو وہی انسان قدر کے قابل ہے نا کہ جس کے لیے دنیا نے کہا اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں, مگر وہ یہ کہتا تھا وَبْيَزَّ يُسْتَثْقَ الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ سمال الیتاما عصمت للارملی, کہ تیرے چہرے کا واسطہ دے کے تو ہم پانی کی بھیک مانگتے ہیں, تو یتیموں کا پالنے والا ہے, بیووں کا رکھوالی ہے, اور اسی کے لیے کہا دا وہ وزان عدل لا یقیس شعیرتن و میزان صدق وزنہ غیر غائلی, وہ تولنے والا صدق و عدل کا کہ جہاں ذرہ برابر بھی نشیب و فراز ترازو کے کفوں میں نہیں, ترازو میں ذرہ برابر نشیب و فراز نہیں. تو ایسی منزل پر جہاں بظاہر جو کلمہ نہ پڑھے وہ نبی پہ یوں ایمان رکھے اور دنیا کہے کہ نہیں وہ کافر رہا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بعد تو یہ ارشاد ہو رہا ہے خبردار وہاں نہ جانا, ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں, یہ راہ حق پہ آنے والے نہیں ہیں. تو اس طرح سے ایک باپ تاریخ کا سامنے یوں بھی آیا, مسجد بنائی اور ذات واجب نے اس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا کہ جاؤ جا کے مسجد کو گرا دو, مسجد کو ڈھا دو. نبی ہادی نبی, راہ بتانے والا نبی مسجد کو جا کے ڈھا دیتا ہے, گرا دیتا ہے کہ یہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے. اور اس کے بعد اب آیتوں کا سلسلہ یہ ہے, یہ تاریخ کا دوسرا باب ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین, وہی سلسلہ, من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة, اور صاحبان ایمان وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو پہلے ہی خرید لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا شک نہیں جاتا, ایمان والے وہ ہیں
कि जिनके नफ्सों को और जिनके अम्वाल को हमने पहले ही खरीद लिया है, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, ये कहकर कि नफ्स बेचो जन्नत दे देंगे। उन्होंने नफ्स को बेचा, हमने जन्नत दे दी। युकातिलूना फी सबीलिल्लाही फयक्तुलूना व युक्तलून, अल्लाह की राह में किताल करते हैं, कत्ल करते हैं और कत्ल हो जाते हैं। वादन अलैहि हक्कन फित तौराती वल इंजीली वल कुरान, अल्लाह का ये वादा सच्चा है। तौरात में भी ये वादा है, इंजील में भी ये वादा है, कुरान में भी ये वादा है। वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, और अल्लाह से बढ़ के वादे का पूरा करने वाला कौन है? इस खरीदो फरोख्त पर जो सौदा तुमने किया है कि नफ्स को बेच के जन्नत खरीद ली है, ये फौजे अजीम है। अत्तौबूनल आबिदूनल हामिदूनस सायहूनर राकिउनस साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून हुदूद अल्लाह मुबश्शिरिल मोमिनीन, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सजदा करने वाले, रुकू करने वाले, नेकियों का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, हुदूद इलाही की हिफाजत करने वाले। अब इनको खुशखबरी दो कि ये हैं वो कि जो फौज अजीम पर पहुंचने वाले हैं। और अजीब बात है कि तारीख इन्हीं के जिक्र से खाली है। कुरान इंसानियत का कसीदा पढ़े, कुरान ईमान का कसीदा पढ़े। तौबा करने वाले, अत्तायबून अल आबिदून अल हामिदून अस्सायहून अर राकिउन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून अल हुदूदिल्लाह। यानी कुरान फजीलत पे फजीलत बयान कर रहा है। शख्स कहाँ है? वो अशख़ास कहाँ है जिनकी ये तारीफ की गई? तो अब आप समझ गए, मैंने तकरीर में जहमत दी आपको। हम फिक्र को अपनी बुलंद रखना चाहते हैं मगर उन अशख़ास के सहारे जिनकी तारीफ ये हो। ये जिनकी तारीफ हो, इसलिए अजीजा ने कहा नहीं, किसी को यह जुमला ना गवार ना गुजरे, ये जुमला ना गवार ना गुजरे, इसलिए कि इस जुमले की तशरीह है और शायद तशरीह के लिए कई तकीने चाहिए और करीब ही में शायद ये उनवान कायम हो जाए। कुरान का गुरूर आले मोहम्मद है। कुरान का गुरूर है आले मोहम्मद कि अगर वो न होते तो इन सिफात को कोई अमल की मंजिल पर न लाता, कोई समझा न सकता कि सिफात के लिए मौसूफ कहां है। तो इसलिए इस्लाम की तारीख फकत तख्त व ताज की तारीख नहीं होनी चाहिए थी। इस्लाम की तारीख तो सिफात की, फजाइल की, कमाल की, इल्म की, ज़ुहद व तक्वा की, तौबा करने वालों की, इबादत करने वालों की, रुकू करने वालों की, सजदा करने वालों की, अमर बिल मारूफ करने वालों की, नहीं अनिल मुनकर करने वालों की तारीख होनी चाहिए थी। मगर अजीब बात यह है कि जिस धारे पर यह तारीख गई माजी में, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुलूकियत नहीं चाहती थी, मुलूकियत नहीं चाहती थी कि इन सिफात के लिए कोई इंसान ढूंढे जाए, इन सिफात के लिए किसी इंसानों की तलाश की जाए, बल्कि आम मुसलमानों के लिए यह कहा गया कि यह आम मुसलमानों के लिए है, यह सब के लिए है, यही है तौबा करने वाले, यही है सजदे करने वाले, यही है रुकू करने वाले। बहरहाल हमको एतराज नहीं है, लेकिन आयत का तसलसल कुछ और बतला रहा है। आयत का तसलसल यह बतला रहा है कि नफ्सों को खरीद के जन्नत दे दी, नफ्सों को खरीद के जन्नत दे दी है। कुरान का गुरूर है वो नफ्स,
قرآن کا غرور ہے وہ نفس جو اپنے آپ کو بیچ دے اور اس شان سے بیچ دے کہ 70 کھچی ہوئی تلواریں رات بھر سر پر منڈلاتی رہے اور مجال نہ ہو کہ وہ چادر چہرے سے ہٹا دے وہ یہ نہ کہہ دے کہ ارے رسول تو چلے گئے رسول کو بچانے کے لیے رات بھر علی چادر کو منہ پر لیے ہوئے رہے یہ بتلاتے ہوئے کہ دیکھو یوں نفس کو بیچتے ہیں میں نے رحمت دی شب ہجرت نیند علی کی عجب نیند تھی جس پہ ناز کیا خود کہ ہجرت کی رات میں سو گیا تھا بستر رسول. بہرحال نفس کو بیچ کر جس نے امر حق کو بچا لیا نفس کو بیچ کر جس نے سودا کیا اخروی نعمتوں کا ان انسانوں کے لیے کیا کہا جائے, مگر حیف ہے کہ ان کے تذکرے سے تاریخ خالی ہے. بہرحال ہم گفتگو کریں گے اسوہ رسول کے عنوان پر. تو آپ نے دیکھا ایک اسوہ رسول کی ایک صورت قرآن میں یہ بھی تھی کہ خبردار اس مسجد میں نہ جانا, اس لیے کہ یہ ضرار ہے, کفر ہے, تفریق. اللہ اللہ, مسجدوں میں اور مسجدوں سے کیا کیا کام لیے گئے. کیا یہ عنوان اچھا نہیں ہے کہ مسجدوں سے کیا کیا کام لیے گئے؟ قتل حسین کی اطلاع مسجد میں دی گئی, معلوم ہے نا آپ کو. والی مدینہ نے جب سرکاری طور پہ اطلاع آئی تو پہلے تو خط لے کے روضہ رسول پہ جا کے قبر رسول پہ خط کو پھینکا اور کہا لو محمد یومن بے یوم بدریں, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. اور پھر آگے اطلاع دی کہ مسجد نبوی میں ہم اعلان سنائیں گے. مسجد اب اس کام کے لیے رہ گئی کہ جس مسجد کو محمد کے لیے بنایا گیا اس میں محمد کے نواسے کے قتل کی روداد بیان کی جائے کہ قتل کر دیا گیا حسین کو. اہل مدینہ, وہ کاروان جو مدینے سے گیا تھا وہ لٹ گیا, وہ کربلا میں لٹ گیا. مدینے کو چیرتے ہوئے ایک بی خطیب کے قریب پہنچی اور جا کے اس کے دامن آبا کو حرکت دی اور کہا کہ خطیب حسین قتل ہو گئے. کہا ہاں. کہا خطیب کیا میرا بچہ بھاگ گیا؟ کہ عباس بھاگ گیا. کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں, میں نے اپنے 4 بیٹے بھیجے تھے کربلا میں, 4 بہادر تھے, جری تھے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں بی بی, پہلے عباس نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا, پھر عباس نے اپنے بھائیوں کو بھیجا, پھر عباس خود شہید ہوئے, پھر حسین کی کمر ٹوٹ گئی, پھر حسین شہید ہوئے. اتنا سننا تھا کہ پھر سیدھے جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر پہ گئیں اور جا کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بی بی میری کنیزی پہ اب مجھے فخر ہے. الہی و سیدی و مولا, خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت